तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज किया हूं, बस बादल PNG लगाया हूं। और फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूं। तो आप एंड तक वीडियो को वॉच कीजिए, और चैनल पर अभी तक नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ओरिजिनल पिक। देख सकते हैं कितना ब्लैक है फेस, बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हैं। तो हम कुछ इस टाइप का फ़ोटो शूट कर लेंगे जिसमें स्काई दिखना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम शेयर करेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से इसको शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लाइटरूम के अंदर। तो ये रहा लाइटरूम। लाइटरूम में देख सकते हैं ये हमारा फ़ोटो ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक एक कोई भी कलर टूल नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैं प्रेसेट बना के रखा हूँ। प्रेसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेसेट। इसको 3 डॉट को टच करेंगे, कॉपी सेटिंग पे टच करेंगे, नीचे वाले को सेलेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। फिर अपने ओरिजिनल फ़ोटो पे आएंगे और 3 डॉट को टच करेंगे, यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा फ़ोटो उस टाइप का हो चुका है। तो अब इसको हम शेयर करेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हमें फेस स्मूथ करना है। तो फ्रेंड्स, इसको कर लेते हैं ऑटोडेस्क के अंदर शेयर। तो इसको यहाँ से शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शेयर कर देंगे ऑटोडेस्क के अंदर। अब हमारा फ़ोटो ऑटोडेस्क के अंदर खुल चुका है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रश देख सकते हैं, मैं सेकेंड वाला चूज किया हूँ। आप भी फ्रेंड्स सेकेंड वाले की यूज़ कीजिएगा। अब इसकी सेटिंग को यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग को इतना रखेंगे और नीचे फ्लो और स्ट्रेंथ को बराबर रखेंगे फ्रेंड्स 1:1। फ़ोटो को जूम कर लेंगे और इसके फेस स्किन के ऊपर हल्का हल्का चलाएंगे फ्रेंड्स। साइज को और छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा फ़ोटो स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप आराम से कीजिएगा, एकदम देख देख के बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो स्मूथ हो चुका है अच्छे तरीके से, बढ़िया से देख के स्मूथ कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हैंड वगैरह सब स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा ऑटोडेस्क का काम ख़त्म हो चुका है। तो इसको शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में बादल को चेंज करना है। तो बादल लगाना है वहाँ पे, तो इसको शेयर करते हैं यहाँ से। फिर अदर को क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सआर्ट दिख रहा है इसको। फ्रेंड्स, हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर खुल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना मोबाइल का डाटा ऑन रखेंगे, क्योंकि ये बिना नेट का नहीं होगा। यहाँ पे हमें स्टिकर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स सर्च करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च कर लेंगे सनलाइट। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ चुका है फ्रेंड्स। तो इसको क्लिक करते हैं और यह हमारा वाला सेकंड में जो हम बादल को ऐड करेंगे वो सेकंड में आ चुका है। तो इसको, तो फ्रेंड्स इस बादल को अच्छे तरह से यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो मैं इस कुछ इस टाइप से रख देता हूँ। इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, इतना रखते हैं 70 तक। फिर रेजर वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे बैकग्राउंड को टच कर देंगे। हमारा बादल बैकग्राउंड में चला जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना ही प्रोफेशनल लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है फ्रेंड्स। फिर इसको यहाँ से 70 तक रखेंगे इसको। अब इसको, यह हमारा ऐड हो चुका है फ्रेंड्स। फिर इसके लिप्स को थोड़ा सा रेड करेंगे फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं रेटच का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको क्लिक करते हैं। फिर आते हैं हेयर कलर के अंदर। तो हेयर कलर को टच करेंगे और इस
रेड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे रेड वाले कलर को और हेयर पर से इसे मिटा देंगे। फिर लिप्स को हमें रेड करना है तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैनुअल करके और लिप्स के ऊपर ब्रश करेंगे फ्रेंड्स, जितना रेड करना होगा उतना रख देंगे फ्रेंड्स। अब इसके अमाउंट को थोड़ा कम करेंगे, फिर सेव कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे बिफोर और आफ्टर, लिप्स रेड हो चुका है फ्रेंड्स। अब फोटो को देखते हैं बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो फ्रेंड्स अब इसको गैलरी में सेव कर लेंगे, ड्रा टूल के अंदर आएंगे फ्रेंड्स, फिर यहाँ से सेव करने पे फ़ोटो की क्वालिटी कम नहीं होती है, तो इसको सेव कर लेते हैं गैलरी के अंदर। अब इसमें कुछ काम बचा हुआ है तो उसको पूरा करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं गैलरी के अंदर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फ़ोटो। अब इसको यहाँ पे फेस हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, धुंधला दिख रहा है, हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है। रियलिस्टिक क्वालिटी लाने के लिए फ्रेंड्स हम चलेंगे, एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है रेमनी, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा रेमनी एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेमनी एप्लीकेशन खुल चुका है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी आपको नेट ऑन रखना है और अपने जिस फ़ोटो की क्वालिटी जिसको हम एडिट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे राइट का ऑप्शन दिया हुआ, इसे सही कर देंगे फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग को एक ज़रूरी बात की, एक ऐड देखना पड़ता है क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है, तो बिना ऐड को हम स्किप कर देंगे तो फ्रेंड्स फ़ोटो की मतलब जो हम कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। तो ऐड को मतलब 30 सेकेंड ऐड देखने में क्या जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेट फास्ट होना भी ज़रूरी है, तो यहाँ देखिए हमारा ऐड आ चुका है, तो मेरे फ़ोन में 15 सेकंड का आया है, 30 सेकंड का भी आता है। तो ऐड ख़त्म हो जाने देते हैं, इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, पूरा ख़त्म होने देंगे, इसे इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा ऐड ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऐड ख़त्म होने के बाद ही इसे हटाएँ। अब यहाँ पे मैं बिफोर और आफ्टर आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये रहा हमारा फ़ोटो, इस फेस को देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर, तो देख सकते हैं कितना क्वालिटी बढ़ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका यूज़ कीजिएगा आप लोग, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो की क्वालिटी, देख सकते हैं फ्रेंड्स फेस, इसको देखिए और इसके देखिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ भी इतना काम हो चुका है, अब बचा है थोड़ा सा काम, तो इसको हम स्नैपशीट में ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये फ़ोटो को सेव कर लेते हैं गैलरी में, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं, फ़ोटो को सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर से आते हैं गैलरी के अंदर फ्रेंड्स, ये पहले वाला है, इसका फेस देखिए और इसका फेस देखिए। तो फ्रेंड्स अब इसको ले चलेंगे हम स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टूल्स को ओपन करेंगे और सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्बाइन से इसको बढ़ाएंगे, देख सकते हैं बादल में थोड़ा सा कलर आ रहा है फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, और शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ज़रूरी है करना फ्रेंड्स, तो इसको क्लिक कर देंगे ताकि हमारा फ़ोटो में अधिकतर फोकस हमारे बॉडी के ऊपर हो, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसको बढ़ा देंगे, देख सकते हैं हमारे फेस पे फोकस जा रहा है और स्किन स्मूथ होगा फ्रेंड्स। सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और आई हमारा नहीं दिख रहा है, आई की क्लियरिटी को ये बढ़ाता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसे सेव कर लेंगे, अब सेलेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, और हमारे हैंड पे कुछ ज़्यादा ही रेड है तो इसको इतना सेलेक्ट कर लेंगे और ब्राइटनेस देंगे। फिर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस करेंगे, यहाँ पे सेचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे, देख सकते हैं ये रेड था बिफोर और आफ्टर फ्रेंड्स फ़ोटो देख सकते हैं। और फिर फेस पे भी थोड़ा सा, फेस को भी फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब वाइट करेंगे,
क्योंकि ये ज़्यादा ही रेड है, तो ब्राइटनेस थोड़ा सा देंगे और कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे। फ्रेंड्स सेव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स टूल्स वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पे कर्वस ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वाले कलर को ओपन करेंगे फ्रेंड्स और इसको ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। और फिर हम ब्लू वाले कलर को ओपन करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लू है, तो बैकग्राउंड से थोड़ा फेस मैच कराते हैं और बॉडी का मतलब क्लॉथ वगैरह है इसको डाउन कर देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर फ्रेंड्स कितना ही बेहतर प्रोफेशनल एडिटिंग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एडिटिंग समाप्त होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसा ही प्रोफेशनल एडिटिंग सिखाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।